Assalamualaikum, welcome to the YouTube channel. आपने मैच देखा है बाबर आजम. I told you many times वो इवॉल्व हो रहा है. उसकी अब गेम ये नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे. वो अपनी गेम को इम्प्रूव कर रहा है डे बाई डे. उस पर क्रिटिसिज्म आता है और आता रहेगा, लेकिन ही इज नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड. और दूसरी बात ये है कि एक प्लेयर की गेम नहीं है, वो स्ट्रोक मेकिंग है. पहले वो डिफेंसिव प्लेयर था, वो स्ट्रोक मेकर था, लेकिन उसे मैच विनिंग एबिलिटीज नहीं थी. वो हुई, फिर वो टेस्ट मैच का प्लेयर बना, दूसरा अगेन फिर वो वनडे का प्लेयर बना. और वनडे में टॉप किया उसने, तो क्रिटिसिज्म उन पर आ रहा था कि वो बॉलें बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है उनका. तो आज उन्होंने अपने बल्ले से बेसिकली शट अप कॉल दे दी है बहुत सारे नाकदीन को, और ये कह दिया है कि देखिए आई एम इवॉल्विंग एवरी डे, आई एम ए नंबर वन बैट्समैन. कोई इस वजह से नहीं बना नंबर वन बैट्समैन कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है. एबिलिटीज हैं, लेकिन मेरी वो गेम नहीं थी. लेकिन मैं अपनी गेम को आई एम गोना अप माय गेम, एंड ही डिड दैट. एंड देखें, पाकिस्तान इज इन अ रीबिल्डिंग प्रोसेस में है, इन बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस. बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के प्रोसेस में है, जिसमें वो अपना माइंडसेट तोड़ रहे हैं जो 15-20 साल पुराना माइंडसेट है. सो रेविशिंग परफॉर्मेंस बाय बाबर आजम. आई थिंक ही इज माइटी आजम. एंड व्हेन ही कम्स टू द बैट, व्हेन ही बैट्स, ही बैट्स लाइक अ poetry man. It just literally his defense, his ability to stroke making is just amazing. You know, he's just this guy is brilliant. So I'm really happy that